दुआओं का किस्सा आज मैं खुलवाने लगी हूं तुमसे ऑन कैमरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको मौका दिया जाए, चांस मिले, तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? के शादी का शौक है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली कब करनी है शादी? डिग्री के बाद। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार अगर यस मैंने तुम्हारे लिए कराना है तो फिर मेरे अंदर कौन सा लड़की रू नहीं है, मैं अपने लिए ना करवा लूं तुमसे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। लेकिन यार यहाँ में पिघल। इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिल रहा है, चांस दिया जा रहा है आपको, कौन से इंडियन लड़के से शादी करोगे और किस टाइप का होना चाहिए? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इंडियन लड़के से शादी के लिए हाँ कर दोगी, सोच समझ के या वैसे ही अंदाज़? इंडिया से यस। नहीं यार, अगर अच्छा बंदा होगा तो हाँ करेंगे, अगर वैसे रैंडम होगा तो फिर तो नहीं। इमेजिन कर लो। करवा दें तलाक, चलेगा? हाँ चलेगा। दूसरी बीवी बनना भी कबूल है, इतना पसंद है क्या? बहुत पसंद है। चलो डन, आज से हम इस मिशन के पीछे हैं कि हमने शायद की तुड़वानी है और यहाँ जुड़वानी है, सही है? हाँ डन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम हरीश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो, और आज हम लेकर आए बहुत ही मजे का और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। टॉपिक हमारे यूथ का बहुत ही फेवरेट है और वो है शादी से रिलेटेड। हम यहाँ मौजूद पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि अगर उनको इंडियन लड़की या इंडियन लड़के से शादी करने का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है कि लड़की जो है लड़की लड़के दोनों से शादी करने का मौका दिया जाएगा, लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से शादी करने का मौका दिया जाए तो वो क्या शादी कर लेंगे या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तानी आवाम से। और अगर आपको पाकिस्तानी आवाम में से किसी से शादी करने का मौका दिया जाए तो क्या आप लोग करेंगे नहीं, ये बताएं कॉमेंट सेक्शन में, हम जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? दुआ। दुआ, दुआ बहुत ही प्यारा नाम है। मुझे ये बताओ कि अपनी दुआओं का किस्सा आज मैं खुलवाने लगी हूँ तुमसे ऑन कैमरा, कभी दुआ की है कि किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए? दिल से निकलती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दिल से निकलती है। अच्छा, आज का मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, शादी से रिलेवेंट है, जो कि मेजॉरिटी लड़कियों की दुआ होती है, खासतौर पर जो पढ़ना नहीं चाहती वो कहती हैं यार शादी हो जाए, जिनको कामों से जान छुड़वानी होती है, जिनको ज़िंदगी बड़ी अजाब लग रही होती है। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको मौका दिया जाए, चांस मिले, तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ क्यों नहीं यार। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कौन कौन सा इंडियन पसंद है यार? वीर ज़ारा वाली स्टोरी हो जाएगी। इंडियन लड़के से शादी के लिए हाँ कर दोगी, सोच समझ के या वैसे ही अंदाज़? इंडिया से यस। नहीं यार, अगर अच्छा बंदा होगा तो हाँ करेंगे, अगर वैसे रैंडम होगा तो फिर तो नहीं। इमेजिन कर लो कोई सेलिब्रिटी मिल गया, सेलिब्रिटी का रिश्ता आ गया, उसके लिए भी देखेंगे किस टाइप का है। अच्छा चलो मैं ऑप्शंस रखती हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? रणबीर कपूर, शाहरुख खान और सलमान खान कर लो। बहुत बड़े हैं, इसमें कोई छोटा बताओ। अच्छा टाइगर श्रॉफ? नहीं, टाइगर श्रॉफ पसंद कौन सा है? मुझे शाहरुख खान पसंद है, लेकिन वो इस तरह से नहीं पसंद, मतलब बाप की जगह पसंद है वैसे। हाँ, उनका बेटा यस करवा दें। उनका बेटा छोटा है अभी या बड़ा वाला? बड़े वाला यस करा दूँ। यार अगर यस मैंने तुम्हारे लिए कराना है तो फिर मेरे अंदर कौन सा लड़की रू नहीं है, मैं अपने लिए ना करवा दूँ तुमसे पहले। ये भी सही है, हाँ वैसे करवाना चाहिए। अच्छा इंडिया घूमने का शौक है? हाँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सारा ज़ैनब। सारा ज़ैनब बहुत ही क्यूट हो माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि शादी का शौक है? ऑब्वियसली कब करनी है शादी? डिग्री के बाद इंशाल्लाह। डिग्री के बाद मतलब कितना टाइम और लगता है? डेढ़ साल के बाद सारा की शादी है भाई, सब लोग इनवाइटेड हो मेरी तरफ से, पता नहीं मैं इनवाइटेड हूँ। हाँ ऑब्वियसली आप इनवाइटेड है। ओके ऑब्वियसली मैं इनवाइटेड हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर रिश्ता है कोई? नहीं है। इंडिया से रिश्ता है आपके लिए? हाँ। एग्री करती हैं? कोई आम हो तो बिल्कुल नहीं। आम हो क्या मतलब, खास क्या आपकी नज़र में? वहाँ भी बहुत खास लोग होते हैं। बहुत खास? किस तरह के खास चाहिए आपको? कोई भी सेलिब्रिटी चाहिए कोई? या भी। कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है? कोई भी अच्छा हो। अच्छा चलो इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिल रहा है, चांस दिया जा रहा है आपको, कौन से इंडियन लड़के से शादी करोगे और किस टाइप का होना चाहिए? फेमस होना चाहिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से होना चाहिए, पैसा, घर, गाड़ी, खूबसूरत होना चाहिए, डिमांड होती है भाई।
सेलिब्रिटी होना चाहिए तो ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन अगर आम हो तो फिर नहीं, फिर पाकिस्तान में गुजारा। हाँ, फिर तो पाकिस्तान में। मुझे ये बताओ कि दूसरे मुल्क में जाके बॉर्डर पार ससुराल ठीक है, यू आर ओके विद दैट? या वो तो यहाँ भी जाना है दूसरे घर, तो दूसरे घर तो जाना है, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है ना, जैसे सिटी टू सिटी वेरी करता है, इस तरह कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ट्रैवल तो करने के बहुत से होते हैं, बंदा ट्रैवल कर लेता है। उनकी ये चिकनी चिकनी साड़ियाँ पहना करोगी जाके ससुराल? या हाँ, पसंद है साड़ियों? हाँ बहुत। और इंडियन फूड? हाँ इंडियन फूड ठीक है। उनका स्ट्रीट फूड मैंने सुना बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। उनकी ज्वेलरी? ज्वेलरी अच्छी है। ससुराल वाले अगर वहाँ से होंगे तो झुमके शुमके साड़ियाँ वाड़ियाँ भी बड़ी मिलेंगी। हाँ मतलब मुझे कोई क्यूरियोसिटी शो करवाओ कि मैं एक्साइटेड हूँ, उसकी शादी होने वाली है और हम इंडिया में करेंगे अपनी बच्ची की शादी। नहीं, शादी को लेकर तो मैं यहाँ भी एक्साइटेड हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है क्योंकि वहाँ की चीज़ें, वहाँ की ज्वेलरी, हर चीज़। चलो किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का नाम बता दो जिससे शादी करने की विश हो। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी? हाँ फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा? हाँ, लेकिन नो ऑलरेडी। नहीं, फहद के अलावा मैं ही सोच रही हूँ क्या। फहद के अलावा वहाज? वहाज फ्रॉम इंडिया? नो फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम आस्किंग कि फ्रॉम इंडिया। अच्छा फ्रॉम इंडिया। कौन सा सेलिब्रिटी है जिससे शादी करना पसंद करोगी, मतलब वश? शाहिद कपूर। तलाक करानी पड़ेगी उसकी। हाँ सही है। हाँ सही है, करवा दें तलाक, चलेगा? हाँ चलेगा। दूसरी बीवी बनना भी कबूल है, इतना पसंद है क्या? बहुत पसंद है। चलो डन, आज से हम इस मिशन के पीछे हैं कि हमने शाहिद की तोड़वानी है और यहाँ जुड़वानी है। सही है? हाँ डन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमना। अवैस उस्मान। जरीर अफजल। जरीर अवैस और आमना, मुझे ये बताओ आप लोगों में से सबसे ज्यादा शादी का शौक किसको है? इसको। ये क्या है? उसको है? मुझे भी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, अभी डिग्री कंप्लीट हो। अच्छा चलो, डिग्री कंप्लीट हो गई, लेट्स सपोज आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको अगर मौका मिले तो इंडियन लड़की से शादी करोगे या नहीं? प्यारी होगी तो कर लेंगे। प्यारी होना शर्त है? प्यारी होना शर्त है। और अगर पाकिस्तानी मिल जाए और प्यारी भी ना हो तो? फिर सोचूंगा। फिर सोचोगे, मतलब प्यारी जरूर होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। तो खुद तुम क्या हो? मैं भी प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसने कहा है? ये तो आप कहती हुई नहीं ना। और अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो? या नहीं नहीं। बॉलीवुड देखते हो? नहीं ज्यादा नहीं। नहीं। इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। सॉन्ग्स उनके? सॉन्ग्स अच्छे हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, इंडियन सॉन्ग्स भी अच्छे हैं। ज्यादा कौन से पसंद? पाकिस्तानी। के अलावा वहाँ के फूड जो है ना, वहाँ का फूड बहुत फेमस है, वहाँ के ड्रेसेस बहुत फेमस हैं, क्या क्या चीज़ जाके वो करना चाहती हो एक्सप्लोर? यार एक तो मैंने मुंबई का स्ट्रीट फूड खाना है, दूसरा मैंने साड़ी ही लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी? यहाँ पे है, अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन इंडियन साड़ी, वो इंडियन साड़ी लखनऊ के झुमके। लखनऊ के झुमके पहले वादा करो मेरे लिए भी लेके आओगे, फिर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढो। यार डन, यार डन। अब ऑडियंस में अगर कोई रिश्ता आ रहा है इनके लिए तो वो मुझे पर्सनल बता दे, मैं लिंक करा दूंगी, ठीक है? सही हो गया। अगर बंदा अच्छा ना निकला यार इतना दूर, मतलब परदेश वाली बात है। देखिए यार ये सब तो किस्मत का खेल होता है, अगर मेरी यहाँ पे भी कहीं पे होती है, वो भी अगला बंदा अच्छा नहीं निकला तो फिर फ़ायदा? दुआ हो सकता है दुआ कबूल हो जाए, माँ बाप ना माने? नहीं, मेरे माँ बाप की डिमांड है, वो ये है कि लड़का सैयद होना चाहिए क्योंकि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग। अब मैं इंडिया में सैयद ढूंढने? हाँ ये एक सिर्फ एक यही है, बाकी और माँ बाप की डिमांड सैयद की और शादी इसको इंडियन लड़के से करनी है। इंडिया में भी है सैयद है। अच्छा, लड़का इंडियन होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन है उसके लिए कोई रिलीजन की या नहीं? देखिए अगर सैयद की है तो फिर ऑब्वियसली मुस्लिम होगा तो ही सैयद होगा ना। इंडिया से हो, रिलीजन उसका इस्लाम हो और क्या था, सैयद हो, गोरा चिट्टा भी हो, कमाता भी अच्छा हो, गाड़ी घर बंगला सब कुछ चाहिए भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रंग नहीं मैटर करता और पैसे पूसे भी नहीं मैटर करते हैं। पहली लड़की देखी है भाई, मेरे लिए तो बहुत करते हैं। नहीं यार जिनमें पैसा बहुत है हमारे पास तो अब पैसे की कदर नहीं इतनी रही, उड़ा लेते हैं, कमा लेंगे। ये तो मैं रिश्ता तुम्हें पक्का डन कराती हूँ, तुम्हारे पास पैसा बहुत है। नहीं घर जमाई रख लोगी? घर जमाई अब आज पाकिस्तानी केस कर देंगे, इंडिया से बुला के घर जमाई रख लिया, वो भी पाकिस्तान में। नहीं नहीं यार ऐसी कोई मसला नहीं, भी नहीं बुरे यार हम। और वो लोग अच्छे हैं यार, मेरे कुछ दोस्त थे
सिख थे वो, हरजीत सिंह नाम था एक का, वो भाइयों की तरह थे मेरे, तो मैं उन्हें ना जीत भाई बुलाती होती थी, तो वो बहुत अच्छे बंदे थे। तो मतलब इंडियंस भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं इंडियंस, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। दिल मैटर करते हैं इंसान का। अब मीडिया ने काफी लोगों को फजूल में बुरा भला कहते हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पॉलिटिक्स। अच्छा दुआ एक और बात बताओ, अगर हम थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान में देखें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या लगता है कहाँ के लोग जो है ना ज्यादा, मतलब रेट करो अगर पाकिस्तानी पीपल एंड इंडियन पीपल, मतलब अदर देन रिलीजन, एक्सक्लूडिंग रिलीजन इशू, तो किसको ज्यादा रेट करोगे आउट ऑफ 10 रेट कर लुक्स वाइज? लुक्स वाइज उसके अलावा जो है ना उनकी जो उनके अंदर एबिलिटीज हैं, उनका फेम, हर चीज़, इंडस्ट्रियल, मेडिकेशन, हर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा अगर तू पहली बात के मुझे इंडिया की सिर्फ एक चीज़ नहीं पसंद, वो तेरे को मेरे को बीड़ू, वो तो हमारे कराची के लोग भी करके करके बोलते हैं कि रांची से आए हो क्या, कराची भी पसंद, तेरे को मेरे को ए भिड़ू क्या बोलती है रे तू। अब ऑडियंस जो है ना वो कमेंट्स में शुरू हो जाएगी, हम ऐसे नहीं बोलते, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपकी हिंदी वगैरह करती है क्योंकि आप इंडियन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपकी हिंदी सही, अब पाकिस्तान इस चीज़ में ऊपर आता है कि उर्दू, मुझे उर्दू पसंद है तो उर्दू में पाकिस्तान ऊपर आ गया। इसके बाद लुक्स में इंडिया भी सेम ही आ रहे हैं। और टैलेंट, टैलेंट तो यार हर जगह होता है उसकी, तो कोई अगर हम कहें कि टैलेंट जो है होता हर जगह है, ऊपर कहाँ आता है? तो मतलब थोड़ा टैलेंट का रेशो देखो, अगर आप देखते हैं कि मॉडलिंग में या फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, वहाँ तो इंडिया में टैलेंट आता है क्योंकि पाकिस्तान इतना सपोर्टिव नहीं। बस फिल्म इंडस्ट्री से लड़का डन कराओ। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाबात कि क्या वो इंडियन लड़की और इंडियन लड़के से शादी करेंगे या नहीं। आप लोगों ने देखे उनके रिएक्शन के साथ 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 आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।